हसास इदारे का जाली मेजर बनकर सेंट्रल जेल शेखोपुरा में सुप्रीडेंट जेल से मुलाकात करने वाले बाबर चौहान की असलियत चंद ही मिनटों में खुल गई। जब मैंने इसका नाम पूछा है और डेजिग्नेशन पूछा उसके बारे में उसने हेजिटेशन महसूस की है थोड़ी सी। पाक आर्मी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, पूरे पंजाब की जो भी सीक्रेसी थी सबसे पहले वो मेरे पास आती है, मैं ऊपर भेजता हूँ। मेजर कभी भी नहीं कहलवाया। क्या कहलवाते हैं? के ऊपर लिखा हुआ है एज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं। एक शख्स आता है सुप्रीडेंट जेल के पास और आकर कहता है कि मुझे VIP मुलाकात करनी है और फिर अपना तारुफ करवाता है हसास इदारे का, मैं मेजर हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है और मालूम होता है कि ये शख्स अपने आप को जो मेजर कहलवाता है ये गलत है। ये सारी कहानी क्या है ये सब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीडेंट जेल के पास और उनसे जानते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से हुई। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सुप्रीडेंट जेल शेखुपुरा मोहम्मद जहांगीर डोगर साहब। इनसे जानते हैं कि ये नौसरबाज इनके पास कैसे आया और क्या कहा। इसने सुबह कल तकरीबन कोई 10 बजे मुझे कॉल की है कि मैं पाक आर्मी से मेजर, इसका नाम तो कुछ नाम नहीं, मेजर हूँ, आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। तो मैं मोस्ट वेलकम, आप आ जाइएगा। तकरीबन एक घंटे के बाद इसने कॉल की है कि मैं आपके गेट के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ, गेट पर नोट करा दीजिए, हम दो गाड़ियों में हैं, 5 आदमी हैं। तो मैंने नोट करा दिया है, बाहर पहुंच गया, इधर बैठा है आगे हमारे पास। मेरे बंदों ने बाहर से रिसीव किया इसको, कहता इसने चश्मा लगाया है, मास्क पहना हुआ है, पाक आर्मी की कैप पहनी हुई है, इधर आके बैठ गया मेरे पास। हमने चाय शेप लाई है, बिस्कुट खिलाए हैं। तो जब इसका हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, मैंने प्लीज़ अपना गुड नेम डेजिग्नेशन बता दिए, कहता है कि हम ये बहुत ही साहसदार है हमारा, हम नहीं बता सकते आपको, हमें ऊपर से अलाउ नहीं है कि किसी को बताएँ। मैं पूरे पंजाब का पाक आर्मी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, पूरा इंचार्ज हूँ पंजाब का। आपके डिपार्टमेंट की जितनी भी, पूरे पंजाब की जो भी सीक्रेसी होती सबसे पहले वो मेरे पास आती है, मैं ऊपर भेजता हूँ। ठीक हो गया। दोबारा से फिर पूछा गया, अभी अपना कुछ ना कुछ तो मुझे तारफ करें। कहता मैंने थोड़ा सा आपकी जेल के बारे में विजिट भी करनी है, पिक्चर्स भी लेनी है। मैंने कहा हमें यह अलाउ नहीं है, ना आप पिक्चर ले सकते हैं, हमारा सिक्योरिटी इदारा है, सिक्योरिटी इदारे की आप पिक्चर नहीं ले सकते, ना ही अलाउ आप करेंगे। अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो हमारे हाई अप से, हमारे IG साहब से, होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आएँ, फिर हम आपको विजिट भी कराएंगे, अगर तस्वीरें आपको चाहिए तो वो भी दे देंगे। कहते नहीं हमने ऊपर भेजनी है, मैंने लेनी है। तो उस वक्त हम थोड़ा शक पड़ गया इसके बारे में कि बंदा दो नंबर लगता है जो बजिद है इसी चीज़ पर, और एक आदमी की मुलाकात भी करनी है, उसको आपने ड्यूटी में बुलाना है, आपके ऑफिस में बैठ के मुलाकात करनी है, यानी कि VIP मुलाकात। तो मेरे साथ दो बंदे भी हैं, उन्हें साथ आएंगे, मुलाकात करेंगे। अच्छा ये बताइए मुझे जहांगीर साहब के वो कौन से पॉइंट्स थे जो आपने देखे कि नहीं ये बात ठीक नहीं कर रहा, जहाँ से आपको शक पड़ा ना, वो कौन सी बातें थी? जब मैंने इसका नाम पूछा है और डेजिग्नेशन पूछा उसके बारे में उसने हेजिटेशन महसूस की है थोड़ी सी, और थोड़ा सा मुझे उसकी यूनिफॉर्म पर भी डाउट हो गया था। उसका बेल्ट जो था खड़ा हुआ है एक दफ़ा, तो उसके यूनिफॉर्म के बेल्ट मैंने चेक की, वहाँ से मुझे शक पड़ा मोस्टली ज़्यादा था, और उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ भी था। तो मैंने कहा आप तो पंजाबी कहाँ के पोस्टिंग कहाँ है? कहते हैं मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में है, आजकल मैं पंजाब का इंचार्ज हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं आपकी जो लैंग्वेज है वो तो मुझे लाहौर की लगती है। कहता है मुझे 12 लैंग्वेज आती हैं, पंजाबी, उर्दू, सरेकी, पश्तो, फारसी, इंडियन, हिंदी भी मुझे आती है। फिर उसके हाथों पर ज़ख्म है, बाजू पर ज़ख्म लगे हुए हैं, गर्दन पर भी ज़ख्म था। कहता है ये मैं इंडिया में पकड़ा गया था, वहाँ मुझे ये ज़ख्म लगाए गए, लेकिन मैंने अपनी ज़बान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी एक लफ्ज़ नहीं बोला आज तक, इसलिए मुझे डिपार्टमेंट में इज़्ज़त मिली आज तक। ये अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि फिर उसके बाद आपने इसको अरेस्ट कैसे करवाया, क्या इसके बैठे हुए पुलिस को कॉल की, क्या मेकनिज़म आपने अपनाया? इधर बैठा हुआ था, मैंने अपने डिप्टी सुप्रीम को बुलाया इधर, इसका नाम पूछ के मैंने अपना नाम बता दीजिए। उसने बताया जो आजकल मेरा कोड मुझे मिला हुआ है बाबर चौहान 786। तो मैंने अपने डिप्टी को बुलाया, उसने हमें पिंडी में रबता किया GHQ में, उसके उनका भी वहाँ भी रिलेशन था किसी आर्मी के पर्सन से, वहाँ से हमने वेरिफिकेशन शुरू कर दिए, सामने ही बैठा हुआ था। जब वहाँ से हमें मैसेज आए हैं कि ये आदमी दो नंबर है, इसकी पिक्चर भी हमने बना ली, वो भी ऊपर भेज दिया हमने,
या पिक्चर भी चली गई, वहाँ दोबारा एक वॉइस मैसेज आ गया कि इसको पकड़ लो, ये दो नंबर है, फ्रॉड है। तो फौरन हमने फिर ये थाना बी डिवीजन में कॉल की है, SHO साहब को, वो भी आ गए इधर, ASI गाड़ी भी आ गई है। तो फिर इसकी हमने तलाशी स्टार्ट कर दी है। जब तलाशी से उसके डॉक्यूमेंट चेक किए तो लाहौर गुजरपुरे का रहने वाला था, एक उसका कार्ड भी इसके पास था, उसका भी ये रिपोर्टर बना हुआ था। तो इसके बाकी चीज़ें चेक की हैं, एक फाइल इसके पास थी, उसमें कुछ चीज़ें थी, उसके पाक आर्मी का स्टिकर लगा हुआ था टोटली। अब चलते हैं मुलजिम की जानिब और मुलजिम से सवालात और जवाबात के सिलसिले का आगाज करते हैं। बाबर चौहान, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ और पाक आर्मी मूवमेंट में एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग काम करता हूँ। कब से तैनाती हुई? मेरी तकरीबन 5 साल से तैनाती है। अभी आप एक्टिव सर्विस हैं? जी। तो वो इदारा आपके पीछे नहीं आया? इदारे को तो अभी तक बताया नहीं गया, यहाँ से सीधा यहाँ पे ले आए। कहाँ से ले आए हैं? जेल से। जेल कैसे पहुँचे, किस मकसद के लिए गए थे? एक कोई मिलने वाले थे, उनकी मुलाकात के लिए गए थे कि इनकी ज़रा स्पेशल मुलाकात, VIP मुलाकात करवा दें। अच्छा, आप गए थे, आपके रिश्तेदार थे जिनकी VIP मुलाकात थी? मेरे रिश्तेदार नहीं थे, वो जो मेरे दोस्त थे उनके मिलने वाले थे। डायरेक्ट सुप्रीटेंडेंट साहब को कॉल की थी? जी। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल लगवाया? सुप्रीटेंडेंट साहब से पहले मैं अपना IG साहब के पास गया था, मिर्ज़ा शाह सलीम बेग साहब के पास। अच्छा। गया था। क्या कहा था उनको? उनको तो मेरा मिलना जुलना है अरसा दराज से। किन से? शाह सलीम बेग साहब से। ओके। तो एज मीडिया के हवाले से तो उनके इंटरव्यूज वगैरह भी मैंने किए हैं। ये शाया हुए थे या के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑन एयर हुए थे? सोशल मीडिया पर। उसके अलावा ये अपना उसके जो है वो प्रिंट मीडिया पे भी इसको चलाया गया। ये हाथों में बड़ी स्वेलिंग हुई हुई है, शिवरिंग हो रही है, क्या मसला है? गुर्दों की वजह से, और उसके अलावा मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरे इस वक्त घुटनों में ये भी एक्सरे करवाए, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। तमाम मेरे ये तमाम चीज़ें डैमेजेज हैं, पसलियाँ मेरी डैमेजेज हैं। नशा कौन सा करते हैं आप? किसी किस्म का कोई नहीं, सिवाय सिगरेट के। स्टैंपें जो बनवाई हुई हैं आपने, उन स्टैंप्स का यूज कहाँ करते हैं आप? जब किसी को हमने अपना इनविटेशन देना हो तब उस पर स्टैंप लगती है। इनविटेशन किसकी तरफ से होता है? इनविटेशन अदारे की तरफ से होता है। अच्छा, तो इदारे की स्टैंप क्यों नहीं है? आपकी अपनी स्टैंप है, उस पर बाकायदा आपने अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है, अपने आप को आप मेजर भी कहलवाते हैं। मैं मेजर कभी भी नहीं कहलवाया। क्या कहलवाते हैं? स्टैंप के ऊपर लिखा हुआ है एज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। मुझे बताएं, इदारे ने यूनिफॉर्म नहीं दिया आपको? जी नहीं, इदारे ने यूनिफॉर्म नहीं दिया। पॉइंट इज दिस। नंबर टू, कैब के मुतल्लिक बताएं जरा जी। कैब कहाँ से ली? कैब, जब पाक आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट है तो कैब तो हमारे पास होगी। अच्छा, कैब भी मर्जी की लगाएंगे, इदारा यूनिफॉर्म नहीं देता तो वो भी मर्जी का ट्राउजर पहनेंगे, ऐसे ही है? आप समझ सकती हैं? नहीं, आपसे सवाल कर रही हूँ, जवाब दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। ये कैब कहाँ से ली पाक आर्मी की? जी बाजार से। बाजार से ली, कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा कि हम हमेशा पाक आर्मी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। SHO बी डिवीजन शेखुपुरा समर डोगर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने इनको अरेस्ट किया है। क्या डिटेल्स हैं, कानूनी पहलुओं से कहां तक तहकीकात की गई हैं, ये डिटेल्स हम जानते हैं समर डोगर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इतला मेरी सुप्रीटेंट जेल शेखुपुरा की तरफ से कि एक पर्सन हमारे पास आया है जो कि अपने आप को एक जहरी तौर पर जो है वो आर्मी का मेजर जो है वो शो कर रहा है। तो इस इतला पर मैं और मेरी फोर्स वहाँ पर पहुँची तो हमने देखा कि वो बंदा जो है उसका नाम जो उसने बताया वो बाबर बदलाया। उसके बाद उसके चीज़ों से गुफ्तगु हुई तो उसने अपने आप को गुफ्तगु में जो आर्मी का मेजर शो किया। तो बाद में हमने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, पाक आर्मी के अदारे में हेडक्वार्टर पे कॉल की, कॉल करके हमने वेरीफाई किया। तो आफ्टर वेरीफिकेशन ये चीज़ हमारे सामने आ गई कि ये जो बंदा जिसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और मोनोग्राम्स जो हैं जैसे आपने देखा होगा अभी उसने लगाए हुए हैं, तो वो बिल्कुल उसका आर्मी के अदारे के साथ किसी तरह से कोई रिक्रूटमेंट हमें नज़र नहीं आई। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें ये क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन प्रोविंस पंजाब। ये किसी जगह पे भी जाता है तो अपने आप को एक पाकिस्तान आर्मी का मेजर्स और वहाँ पे शो करता है, लेकिन डेफिनेटली वो है नहीं है। जब किसी नुमाइंदे को पता चल जाता है, किसी अफ़िसर को पता चलता है, तो उसमें ये बिल्कुल बात को ट्विस्ट देता है। फिर उस चीज़ को ट्विस्ट देने के लिए ये शो करता है कि मैंने एक जेलिसी मूवमेंट वगैरह एक NGO बनाई है, जैसा कार्ड आपको ये कैमरा में नज़र आ रहा होगा, जिसमें वो अपने आप को शो करता है कि मैंने पाकिस्तान आर्मी के तहफ़ के नाम पर जो एक मूवमेंट बना रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट, जिस जगह पर इसका ये चीज़ें नहीं चलती।
तो फिर ये देखें आपका भी प्रेस से तल्लक है, तो फिर ये अपने आप को ये प्रेस का जो है ना जेली नुमाइंदा शो करने के लिए जो जो विजिटिंग कार्ड वगैरह वो इस्तेमाल करता है, तो ये टैबलेट भी वो इस्तेमाल करता है, अगर आपके कैमरा मैन दिखा सकते हैं। टैबलेट उसके जेब से मिली, ये तमाम चीज़ें उसके बैग से ये निकली हैं। उसके अलावा ये देखें ये बेल्ट वगैरह, बेसिकली उसकी जो यूनिफॉर्म थी वही उसका साथ नहीं दे रही थी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वही उसका साथ नहीं दे रही थी। कोई मैसेज देना चाहते हैं आम सादा लोग शहरियों के लिए जिनको इस किस्म के लोग बड़ी आसानी ट्रैप कर लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सादा लोगों को उस वक्त ट्रैप करते हैं जब वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जिस इंस्टीट्यूशन में भी आप जाना चाहें तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी हर जगह पर, हर इंस्टीट्यूशन का एक अगर आप किसी भी थाना में, मैं पुलिस के रिलेटेड बंदा हूँ, मैं पुलिस से बात करता हूँ, अगर आप किसी भी जगह पे डीपीओ साहब ऑफिस में जाना चाहते हैं, जनाब आईजी साहब के ऑफिस में जाना चाहते हैं, तो सिंपली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, किसी बंदे को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को ट्विस्ट या चक्कर या फ्रॉड उस वक्त देते हैं जब लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन आप खुदारा आप अपने पर कॉन्फिडेंस करें, इन चीज़ों को अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप करते हुए इंस्टीट्यूशन के पास जाएँ, अदारे आप लोगों के हैं, अब जब अदारों के पास जाएँगे तो अदारे आपकी बात सुनेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपको फ्रॉड करते हैं कि आप लोग अदारों के साथ नहीं जाते। पाक आर्मी के नाम को बदनाम करना बदकिस्मती है इस शख्स की, जबकि पाक फौज की जब हम बात करते हैं तो पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद हो जाता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।